हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा चोमू इंसान कहाँ मिलते हैं, नहीं पता ना? और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा गधे कहाँ मिलते हैं, नहीं पता ना? अरे तो मैं किस लिए हूँ? मैं हूं ना बताने के लिए। तो सबसे ज्यादा चोमू और सबसे बड़े वाले गधे मिलते हैं पाकिस्तान में। नहीं यकीन आता तो आप ये खुद देख लो आर्टिकल। अब ऐसा इसलिए कि किसी देश में गधे हो सकते हैं, लेकिन जब पूरा देश ही गधा हो तो इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी 25 करोड़ गधों में से एक गधे के बारे में, जिसका नाम है फरीद खान। ये अपने आप को कहता तो है क्रिकेट एक्सपर्ट, बट इसकी बातें जब आप सुनोगे तो ये एक्सपर्ट कम एक्सपर्ट ज्यादा लगता है। ये हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुई मैच में जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, उसमें आप इसे अपने उच्च विचारों पर हंगते हुए देख सकते हो। ये वर्ल्ड कप सिर्फ कंट्रोवर्सीज की वजह से याद रखा जाएगा। एक और दिन, एक और बहुत बीसीसीआई के होस्ट किए हुए वर्ल्ड कप में, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के होस्ट किए हुए वर्ल्ड कप में टाइम आउट देखने को भी मिल गया। इस चोमू एक्सपर्ट के हिसाब से ये पूरा वर्ल्ड कप ही कंट्रोवर्शियल रहा, और ये सारा कंट्रोवर्सी बीसीसीआई ने कराई। इसे अभी तक ये पता नहीं चला कि ये बीसीसीआई की इवेंट नहीं, आईसीसी की है, लेकिन इसे कौन समझाए। वाह रे गधों का जाहिर। इस वर्ल्ड कप में आए 10 टीमों में से किसी टीम ने नहीं कहा कि ये वर्ल्ड कप कंट्रोवर्शियल रहा। सिर्फ पाकिस्तान ही सोशल मीडिया और ट्विटर पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप कंट्रोवर्शियल रहा। और कह कौन रहा है जो खुद इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोवर्सी और कई इलीगल काम करते हुए पकड़े गए हैं। श्रीलंका को बाहर करने की पूरी कोशिश की गई और बांग्लादेश को, शाकिब अल हसन को जो कैप्टन है, उनको टाइम्ड आउट डिसमिसल जो है उनके फेवर में झोली में रख के दे दी गई। आज इस चोमू को श्रीलंका के लिए बुरा लग रहा है। वही श्रीलंका जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलने गई थी तो उनके टीम के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी, तब कॉन्स्पिरेसी कंट्रोवर्सी तुम्हें याद नहीं आई? तब कहां थे गधे। फीज ने भी कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप सबसे ऊपर आनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर शाकिब और मैथ्यूज को टैग करके कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो क्रीज में मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि वो ग्राउंड में नहीं आ रहे थे, वो वहां मौजूद थे। गौतम गंभीर, फॉर्मर इंडिया ओपनिंग बैटर, उन्होंने भी यही कहा कि एंजेलो मैथ्यूज को आउट नहीं देना। और कोई इस चोमू को आईसीसी का रूल का हंटर मारो यार, क्योंकि गधे हमेशा हंटर से ही समझते हैं। हाँ, साकिब अल हसन ने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई, ये गलत किया, लेकिन रूल के हिसाब से आउट था इसलिए आउट के लिए वो अपील किया। इसमें साकिब अल हसन की गलती कहाँ थी? लेकिन ये बात इस गोलू को समझ में आती नहीं। ट्विटर पे चार लोगों को देख लिया और आ गए ज्ञान फैलने यूट्यूब पे। बीसीसीआई ने आउट दे दिया। बीसीसीआई ने इस वर्ल्ड कप के डेड रबर में भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, इसको व्यूअरशिप देनी है, माइलेज देनी है, तो बीसीसीआई हर उस एक्सटेंट पे जाएगा जहां पर स्पोर्ट्समैनशिप का अंतिम संस्कार। भाई ये कौन सा बूटी का गोटी कहता है, समझ में ही नहीं आता। ये कह रहा है कि बीसीसीआई ने एंजेलो मैथ्यू को आउट कराया है अपने व्यूअरशिप के लिए। मतलब दिल टूटे हुए आशिक की तरह कुछ भी ओवर थिंक करके क्रिएट किए जा रहे हो, है ना? वैसे ये पागलपन करके तुम भी तो व्यूअरशिप और पैसे कमाने चाह रहे हो, है ना एक्सपर्ट साहब। और भाई साहब, ये तो ये भी कह रहा है कि बीसीसीआई अपने बॉलर को चिप वाली बॉल से क्रिकेट खेलवा रही है, यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लो ये क्या बोल रहा है। बीसीसीआई और आईसीसी इंडियन बॉलर्स को डिफरेंट बॉल्स देते हैं, जिससे ये स्विंग और सीम करते हैं और स्पिन भी करते हैं ना, ये बॉल्स डिफरेंट होती हैं, ये लाइट और हार्ड बॉल का डिफरेंस है। वो कह रहे हैं कि अभी भी इसको इन्वेस्टिगेट करें। भाई ये सुन रहे हो, ये पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट है और ये ऐसी बातें बोल रहा है। मतलब खुद की टीम तो फील्ड पे हग ही रहा है, ये भी आके यहाँ पे हग दिए। मतलब खुद का परफॉर्मेंस सुधारने के बजाय आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर ब्लेम डाल दो। दोस्तों बात ऐसा है ना कि पाकिस्तान की प्रोपागेंडा और विक्टिम कार्ड खेलने की पुरानी आदत है। पिछले 76 साल से यही प्रोपागेंडा करके तो अपने देश और यूथ को तो बर्बाद किया ही है, और अब अपने दिमाग का सत्यानाश कर रहा है। तो गोलू, तुम्हारा ये जो प्रोपागेंडा और विक्टिम कार्ड है पूरी दुनिया देखती है और समझती भी है, इसलिए तो तुम लोग की बातों पे अब लोग मजे लेते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं और तुम्हारे ऊपर कई सारे मीम्स बनते हैं। ये सब तुम्हारी जाहिलपन और गधेपन की वजह से। तो बस यार, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप भी ऐसे प्रोपागेंडा का मजे लेते रहे, एंटरटेनमेंट लेते रहे और सीखते और सिखाते रहे। बाय।